हाय गाइस, जय हनुमान। जेईई मेन जुलाई के एडमिट कार्ड आप सबके रिलीज होने के साथ अब ये क्लियर हो गया है कि कितने दिन कितने शिफ्ट में एग्जाम चलने वाला है। जेईई मेन जुलाई के बी बीटेक का एग्जाम जो कि 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में कंडक्ट होगा और 25, 26, 27, 28 और 29 ये 5 डेज के अंदर हर दिन 2 शिफ्ट यानी पर्टिकुलर 10 शिफ्ट में 5 डेज के अंदर बी बीटेक का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलरली अगर देखा जाए कि 6,29,778 बच्चे अगर एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं और इसमें से अगर मैक्सिमम नहीं देखा जाए तो 6 लाख के आसपास बच्चा जेईई मेन के जुलाई अटेंड में बी बीटेक के लिए बैठ सकता है। यानी पर शिफ्ट के अंदर अगर मैं 6 लाख के आसपास बात करूँ तो पर शिफ्ट में 10 शिफ्टों के अंदर पर शिफ्ट में करीबन 60,000 बच्चा जेईई मेन के एग्जाम में जुलाई में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी पहले क्लियर था कि 25 से 30 के बीच में एग्जाम होगा, लेकिन 25 से 29 तक बी बीटेक का पेपर है और 30 को बीआर का पेपर होने जा रहा है। इसका मतलब 25 से 29 की जो 5 डेज के अंदर 10 शिफ्टों में बी बीटेक का पेपर हो रहा है। मैंने सारे डेटा को कैलकुलेट कर लिया, हर दिन एक ना एक बच्चा मुझे दिखाई दिया जिसका 25 की सुबह शाम पेपर है, ऐसे 26, 27, 28 और 29 की मॉर्निंग इवनिंग में पेपर आ रहा है। तो ये 5 डेज के अंदर 10 शिफ्टों में बी बीटेक का पेपर होने जा रहा है। इसका मतलब पर शिफ्ट के अंदर करीबन 60,000 के आसपास बच्चा जेईई मेन जुलाई के अटेंड में बैठता दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ी सी परसेंटेज की कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा और जेईई मेन जून के मुकाबले जो पर शिफ्ट में बच्चा कम हुआ है इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन वो बच्चा इतना कम नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि जेईई मेन जून का अटेंड 12 शिफ्ट में हुआ था 6 दिन के अंदर और जेईई मेन जुलाई का अटेंड 5 डेज के अंदर 10 शिफ्ट में होने जा रहा है। तो वो बच्चों की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, इससे थोड़ा बहुत परसेंटेज में इफेक्ट आएगा, उसके लिए और नए वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही कि पर शिफ्ट में करीबन 60,000 बच्चा जेईई मेन का जुलाई के अंदर एग्जाम देने जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए कॉन्टेंट के साथ। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।